हम वीडियो को वहाँ पर रोक दिए हैं कुछ आपको दिखलाने के लिए। दोस्तों हम एक करिश्मा एल्बम के पेज पर हम लोग आ गए हैं। दोस्तों ये करिश्मा एल्बम है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप ग्राहक से कस्टमर से ये पूछिए कि आपको आपको 18x12 का चाहिए या 15x12 का चाहिए या 10x12 का चाहिए, ये पहले आपको उनको डिसाइड करना है दोस्तों। उसके बाद ही आपको पेज को आपको यानी पेज लीजिए सबसे पहले, ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो गया। दूसरा चीज दोस्तों आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको मैट में चाहिए, ग्राहक कस्टमर से पूछिए मैट में चाहिए या फिर ग्लोसी में चाहिए या डायमंड टच में चाहिए। तो ये मैट और डायमंड टच क्या होती है इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डायमंड होती क्या है, यानी कि डायमंड आप डायमंड टच प्रीमियम आप देखिए, ये एल्बम है डायमंड टच प्रीमियम का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे ही आप इस पर हाथ रखिएगा तो आपको कुछ रुखरा और कुछ आपको दिखाई देगा, तो ये डायमंड टच प्रीमियम का हो गया दोस्तों, ये शायद डायमंड टच प्रीमियम का दोस्तों। उसके बाद देखिए क्रिस्टल, ये देखिए क्रिस्टल, ये क्या है एकदम पारदर्शनी होती है, आर पार आपको दिखाई देगा। तो कस्टमर से आपको बात करके पूछना होगा कि कौन सा आप चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा ये ग्लोसी है, ये ग्लोसी ग्लोसी में क्या होता है थोड़ा सा चमक यानी कि लाइट बहुत ज्यादा आती है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा कि सिल्क मैट है, तो सबका एक नाम होता है, अगर आप नाम नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए नाम देखिएगा, यहाँ पर नाम रहता है इस तरह से मैट, इस पेपर का ही नाम है, पेपर का कौन सा पेपर में आपको करना है। उसके बाद देखिए ये सब का नाम, इस तरह का नाम सबका नाम से आता है और सबका नाम से कुछ न कुछ खासियत होती है दोस्तों, सबका नाम से कुछ न कुछ खासियत होती है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कस्टमर से आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कैसा मतलब कौन सा पेपर पर आपको प्रिंट चाहिए दोस्तों, और उसी के साथ आप डिसाइड करेंगे। तो चलिए ये मुझे मिल गया, तुमको अच्छा लगा इस पर क्लिक करेंगे और इसको देख लेना है कि आपको विजिट है कि नहीं, यानी कि कॉपीराइट है कि नहीं, कॉपीराइट रहेगा तो आप इसको नहीं दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है और अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट किए तो देख लीजिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक ना। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सिलेक्ट में जाएंगे, इन्वर्स कर लेंगे, ठीक ना। इन्वर्स से क्या होता है दोस्तों, आपको वही सिलेक्ट होता है, नहीं तो क्लिक सिलेक्ट करके इसको डेल बटन प्रेस कर दीजिए सबसे अच्छा। जब डेल बटन प्रेस कर दीजिएगा तो उसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, वो आपको गैप हो जाता है। तो देखिएगा इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लिप आर्ट इस तरह से हम आपको लगा रहे हैं। अगर आप इसका कलर वो चेंज करना चाहते हैं तो जाइएगा इमेज में जाइएगा और इस यहाँ से देखिए आप जैसा कलर लेना चाहते हैं आप वैसा कलर यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसका बैकग्राउंड वाला कलर लेना चाहते हैं तो नॉर्मल में जाके यहाँ पर लेयर में जाके लुमिनेसिटी कीजिएगा तो देखिएगा बैकग्राउंड में कलर आपको मिल चुका। एक और इस टाइप का हमको क्लिप आर्ट लगाना है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और उसको भी देख लेते हैं। इसको भी पेस्ट ये मैजिक टूल को लिए
इसको हम रोटेट किए, रोटेट करने के राइट क्लिक करके भी आप रोटेट कर सकते हैं, हम इसका की रोटेट कर दिए, ठीक है ना। अब इसको भी अब हमको क्या करेंगे, लुमिनोसिटी करेंगे। देखिए कि बैकग्राउंड के अंदर ये मिल गया। अब देखिए किस तरह से हम लोग पेज तैयार कर लिए हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम पेज तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिएगा हम यहाँ पर इसको बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। एक रेक्टेंगल टूल से हमें एक ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए आप फिल में जाइए, आप यहाँ पर देखिएगा एक कलर है, एक फिल हो गया। तो ये कलर जो फिल हुआ, आप हम इसको थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई देवे। ये जो फिल हुआ अब इसके अंदर बॉर्डर लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, जाएंगे लेयर में, जाएंगे स्ट्रोक में, जाएंगे स्ट्रोक में। जाने के बाद इसको वाइट कर देते हैं, वाइट करने के बाद ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 100 कर देते हैं, देखिएगा बॉर्डर आपको यहाँ पर लग चुका। अगर 100 बहुत ज्यादा बॉर्डर लग रही है तो 50। अब यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर इनसाइड, ठीक ना, सेंटर या आउटसाइड, जहां से क्लिक करना है उसके ऊपर ओके कर देना। अब हमको करना क्या है, इसका हमको एक डुप्लीकेट निकालना है, दो को करना है। तो कंट्रोल जे, जैसे कंट्रोल जे करेंगे टूल्स टूल से इस तरह से ऐसे करेंगे तो देखिएगा एक और मेरे पास डुप्लीकेट आपको आ गया। फिर क्या करना है, कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल करेंगे जे तो देखिए एक और डुप्लीकेट मेरे पास आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको फोटो लगाना है यानी कि इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए मैजिक टूल को हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिएगा कहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन सब सभी हो चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अब आइए देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक किए और इसको मैजिक टूल के फिर यहाँ पर क्लिक किए, देखिए ई सिलेक्शन हो गया। पहले क्या हुआ था, पहले कोई और सिलेक्शन हो चुका, पूरा पेज सिलेक्शन हो चुका। आप ओपन में जाएंगे दोस्तों, अब हम फोटो को देखेंगे कि मेरा फोटो, फोटो को आपको चूज करके आपको रख लेना है, विध रस्मों के अनुसार फोटो को आप रख लीजिए, जो रस्म है रस्म के अनुसार आपको फोटो को रखना है। और हर रस्म के अनुसार एक फोल्डर बनाइए, हल्दी का अलग, सगाई का अलग, एंगेजमेंट का अलग, तिलक का अलग, बारात का अलग। तो हर तरह का आपको रस्मों के अनुसार फोटो को आपको रख लेना है। तो चलिए फोटो मैंने एक सिलेक्शन कर लिया हूँ, अब देखिए ये आ गया। इसको करना क्या है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक ना, आप इस सिलेक्शन है कंट्रोल भी और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से आपको इस तरह से लगा देना है दोस्तों, और फिर इसको सिलेक्शन हटाने के लिए हम क्रॉप पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिएगा फिर इस पे क्लिक कर रहे हैं और उसका मैजिक टूल के लिए इस पर क्लिक किया, देखिए ई सिलेक्शन हो गया। अब फिर वो फिर हम आपको जाएंगे फाइल में, फोटो में जाएंगे, फिर आप फोटो और कोई चूज कर रहे हैं जो आप में, जो मुझे फोटो और अच्छा, आपको जो अच्छा लगता है, जो सिलेक्शन करके आप जो रखे हैं, फिर आप क्लिक किए, अभी कंट्रोल ए कंट्रोल सी और सिलेक्शन है ये कंट्रोल भी, इस तरह से। फिर हम लोग जाएंगे फाइल में, जाएंगे ऊपर में जाएंगे, फिर हम फोटो को चूज करेंगे, फिर कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसको पर डालना था, यहाँ पे क्लिक करके मैजिक टूल को ले लिया सिलेक्शन, और कंट्रोल भी, कंट्रोल भी करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए टैब से कि आपको स्पष्ट दिखेगा, यहाँ पर ड्रॉप पर क्लिक। तो देखिए एक बहुत खूबसूरत सा हम लोग एक डिजाइन कर लिए हैं, ठीक ना, देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग एक करिश्मा एल्बम का डिजाइन करेंगे, जो कि फोटो हमेशा आप छांट के रख लीजिएगा
और हर बीत के रस्मों के अनुसार आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप देखिए इससे भी अच्छे अच्छे डिजाइन हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।